अपने आईपीएल कैंपेन का जीत के साथ आगाज करने वाली दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि टीम के स्टार ऑलराउंडर मिचेल मार्श चोट के चलते पाकिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ऐसे में अब उनका आईपीएल में खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। बता दें कि टीम के स्टार तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया पहले ही इंजरी के चलते बाहर चल रहे हैं। ऐसे में अगर मिचेल मार्श भी चोट के चलते बाहर हुए तो टीम को आईपीएल में आगे चल के काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मिचेल मार्श को पाकिस्तान के खिलाफ लिमिटेड ओवरों के सीरीज खत्म होने के बाद 6 अप्रैल को दिल्ली की टीम के साथ जुड़ना था, लेकिन अब उनकी उपलब्धता चोट की स्थिति पर ही निर्भर करने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिमिटेड ओवर्स कप्तान एरोन फिंच ने सोमवार को कहा कि मिचेल मार्श फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उनका स्कैन कराया गया है और उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। फिंच ने मैच से पहले कहा कि हमें लगता है कि वह प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए हैं, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन कल जिस तरह से उनकी स्थिति देखी जा सकती थी उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो इस सीरीज में खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज मंगलवार से होने जा रहा है और इसके बाद 5 अप्रैल को दोनों टीमों के बीच इकलौता T20 मुकाबला भी खेला जाएगा। बता दें कि रविवार को मुंबई के खिलाफ खेले गए दिल्ली कैपिटल्स के पहले मुकाबले में टीम के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध थे। ऐसे में अगर मिचेल मार्श भी चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। बता दें कि मेगा ऑक्शन के दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मिचेल मार्श को 6.5 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। ऐसे में अगर मार्श टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के टीम कॉम्बिनेशन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि टीम का ये स्टार खिलाड़ी जल्द से जल्द रिकवरी करे और टीम में वापसी करे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे क्रिकेट एडिक्टर के साथ।